दोस्तों आज मेरे पास अवेलेबल है सैमसंग का लेटेस्ट लॉन्च स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A14 5G। दोस्तों आज हम इस फोन के कुछ हिडन फीचर्स को देखेंगे, देखते हैं हमें इस फोन में क्या क्या सेटिंग्स देखने को मिलती है, क्या क्या फीचर्स हैं, और देखते हैं क्या क्या हमें एडवांस फीचर्स इस फोन में देखने को मिलते हैं। दोस्तों वीडियो को अभी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप लुक देख लीजिए, मुझे तो इस फोन का लुक बहुत पसंद आया। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको इस फोन का लुक कैसा लगा। चलिए दोस्तों अब हिडन फीचर्स एंड हिडन सेटिंग्स को देखने के लिए सबसे पहले हम फोन की सेटिंग्स को ओपन करते हैं। देख लेते हैं हमें यहाँ पर क्या क्या सेटिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर हमें कनेक्शन मिलता है, कनेक्शन में यहाँ पर हमें सिम कार्ड की सारी सेटिंग्स देखने को मिलती हैं। दोस्तों इस फोन में एक नया फंक्शन ऐड हुआ है, मोड्स एंड रूटीन्स, हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलते हैं स्लीप, ड्राइविंग, एक्सरसाइज, रिलैक्स, वर्क। दोस्तों इसमें से हम जो भी सिलेक्ट कर लेते हैं हमारे फोन की सेटिंग्स उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगी। हमारी एक्टिविटी को देखते हुए हमारे फोन की सेटिंग्स ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगी, और यहाँ पर आप अपने रूटीन को भी सेट कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद सेटिंग में हमें मिलता है साउंड एंड वाइब्रेशन। यहाँ पर अपने फ़ोन की रिंगटोन की सारी सेटिंग्स कर सकते हैं, वाइब्रेशन की सारी सेटिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं सेटिंग में ही नोटिफिकेशन में। यहाँ पर हमें ऐप नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से हम अपनी सारी ऐप के नोटिफिकेशन को सेट कर सकते हैं। हमें यहाँ पर लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन मिल जाता है, अगर हम इसको ऑन कर देते हैं जब हमारा फ़ोन लॉक है और कोई भी नोटिफिकेशन होगा तो वो हमें यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर हमें नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से हम ब्रीफ या डिटेल को सेट कर सकते हैं। जब हम नोटिफिकेशन हमारे फ़ोन में आएगा तो हमें किस तरह से दिखाई दे हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें एडवांस सेटिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर हमें शो नोटिफिकेशन आइकन, आप कितने नोटिफिकेशन विद आइकन देखना चाहते हैं, 3 मोस्ट रिसेंट या फिर ऑल नोटिफिकेशन आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके फ़ोन में बैटरी परसेंटेज शो नहीं हो रहा है आप यहाँ से बैटरी परसेंटेज को ऑन ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री मिलता है, अगर आप इसको ऑन कर देते हैं आप यहाँ से जो नोटिफिकेशन क्लियर कर देते हैं वो नोटिफिकेशन भी आपका यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। दोस्तों इसके बाद सेटिंग में हम चलते हैं यहाँ पर डिस्प्ले में। डिस्प्ले में हमें डार्क मोड का ऑप्शन मिल जाता है, अगर हम अपने फोन को डार्क मोड पर यूज़ करना चाहते हैं तो हम यहाँ से डार्क मोड को ऑन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें अडाप्टिव ब्राइटनेस का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पर हमें मोशन स्मूथनेस का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से अपने डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट को 60 Hz या 90 Hz पर सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें आई कम्फर्ट शील्ड का ऑप्शन मिल जाता है, अगर हम इसको ऑन कर देते हैं जब हम फोन ज़्यादा देर तक यूज़ करते हैं तो हमारी आंखों पर कम इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर हमें फॉन्ट साइज एंड स्टाइल का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से अपने डिस्प्ले के फॉन्ट साइज को भी चेंज कर सकते हैं और बोल्ड फॉन्ट को भी यहाँ से हम ऑन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन जूम का भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप अपने फ़ोन में स्क्रीन जूम की सेटिंग को भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप फुल स्क्रीन पर ऐप चलाना चाहते हैं तो आप यहाँ फुल स्क्रीन ऐप्स पर आ जाएंगे और यहाँ से आप उन ऐप्स को सिलेक्ट कर लेंगे जो आप फुल स्क्रीन पर चलाना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें कैमरा कटआउट का ऑप्शन मिलता है, अगर आप कैमरे के कटआउट को हाइड करना चाहते हैं तो आप यहां से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जो जो ऐप चाहते हैं आपकी कैमरा कटआउट हाइड हो जाए आप उनको यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर हमें स्क्रीन टाइम आउट का ऑप्शन मिल जाता है, आप जो टाइम सिलेक्ट कर लेते हैं उतनी देर के बाद आपके फ़ोन की डिस्प्ले ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है जब आप फ़ोन यूज़ करना बंद कर देते हैं। दोस्तों यहां पर हमें एज पैनल का ऑप्शन मिल जाता है, अगर हम इसको ऑन कर देते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर एक पैनल टाइप का बन के आ गया एज पर, यहां से हम अपने एज पैनल को यूज़ कर सकते हैं। आप जो भी शॉर्टकट आप चाहते हैं आप यहां पर सेट कर सकते हैं, जैसे अभी यहां पर डिफॉल्ट सेट है फोन, कैलकुलेटर, गैलरी, मैसेज, आप जो भी चाहें इस पेंसिल आइकन पर आकर यहां पर सेट कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर हमें नेविगेशन बार का ऑप्शन मिल जाता है, अगर हम अपने नेविगेशन को चेंज करना चाहते हैं, बैक बटन या होम बटन या रिसेंट बटन यहां लगाना चाहते हैं तो हम यहां पर इसको सिलेक्ट कर देंगे, और अगर हम गेस्चर्स के थ्रू यूज करना चाहते हैं तो यहां पर हम स्वाइप गेस्चर्स को टच कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर हमें एक्सीडेंटल टच प्रोटेक्शन का ऑप्शन मिलता है, अगर हम इसको ऑन कर देते हैं जब फोन हमारी पॉकेट में होता है और हमारे फोन में ऑटोमेटिक टच हो जाता है तो ये हमारे टच को लॉक कर देता है। यहाँ पर हमें स्क्रीन सेवर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से अपने फ़ोन में स्क्रीन सेवर को भी ऑन कर सकते हैं। दोस्तों अब हम सेटिंग में चलते हैं वॉलपेपर एंड स्टाइल में, यहाँ से अपने फ़ोन में वॉलपेपर को भी चेंज कर सकते हैं, आप जो वॉलपेपर चाहें लगाना आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे वॉलपेपर देखने को मिल जाएंगे और आप गैलेक्सी थीम से यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें थीम का भी ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप अपने फ़ोन में कोई और थीम यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों सेटिंग में अब हम चलते हैं लॉक स्क्रीन में, यहां पर हमें स्क्रीन लॉक टाइप का ऑप्शन मिलेगा, यहां पर हमें स्वाइप, पैटर्न, पिन, पासवर्ड, फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट, ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों अब हम चलते हैं सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में, यहां पर हमें सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलता है, जहां पर हमें बायोमेट्रिक्स मिलता है, हम यहां से अपने फेस अनलॉक को और फिंगरप्रिंट को सेट कर पाएंगे। दोस्तों सेटिंग में अब हम चलते हैं एडवांस फीचर्स में, यहाँ पर हमें साइड की का ऑप्शन मिलता है, साइड की पर हमारे फ़ोन में कैमरा सेट है, हम इसको दो बार प्रेस करेंगे हमारे फ़ोन में कैमरा ऑन हो जाएगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, आप किसी ऐप को ओपन करना चाहते हैं तो आप ओपन ऐप पर टच करेंगे और यहाँ से आपको जो भी ऐप ओपन करना हो आप उसको स्टार्ट कर देंगे। मान लीजिए मुझे कैलकुलेटर करना है
मैंने कैलकुलेटर को सेट कर दिया और मैं यहाँ पर दो बार प्रेस करूँगा मेरे फ़ोन में कैलकुलेटर ऑन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमें मोशन एंड गेस्चर्स का ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर हमें डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन, डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है। अगर हम इन दोनों को ऑन कर देते हैं, हमारा फ़ोन लॉक है, हम डबल टैप करेंगे फ़ोन की स्क्रीन ऑन हो जाएगी, डबल टैप करेंगे फ़ोन की स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर हमें अलर्ट वैन फ़ोन पिक्ड अप का ऑप्शन मिलता है। अगर हम इसको ऑन कर देते हैं, हमारा फ़ोन लॉक है, हम जैसे ही फ़ोन हाथ में उठाएंगे और हमारे फ़ोन में कोई भी नोटिफिकेशन होगा, हमारा फ़ोन ऑटोमेटिक वाइब्रेट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमें टर्न ओवर टू म्यूट का ऑप्शन मिलता है। अगर हम इसको ऑन कर देते हैं, हमारे फ़ोन में कोई भी कॉल आ रहा है तो हम फ़ोन को फ्लिप करके रख देंगे, हमारे फ़ोन का कॉल म्यूट हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है पिकअप फ़ोन टू कॉल। अगर हम इसको ऑन कर देते हैं, हमारे फ़ोन में जैसे ही कोई कॉल आएगा, हम फ़ोन को कान तक ले जाएंगे और हमारे फ़ोन ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमें मिलता है फिंगर सेंसर गेस्चर। अगर हम इसको ऑन कर देते हैं, हम नोटिफिकेशन पैनल इस तरह से डाउन करते हैं, हम इस तरह से नोटिफिकेशन पैनल को डाउन कर पाएंगे और हम इसी से अप भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें वन हैंडेड मोड का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप वन हैंड से भी अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमें स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिलता है और दोस्तों डुअल मैसेंजर का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब जो भी डुअल मैसेंजर यूज़ करना चाहते हैं आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों सेटिंग में अब हम चलते हैं बैटरी एंड डिवाइस केयर में। दोस्तों यहाँ से हम अपने फ़ोन में मेमोरी में आकर अपने फ़ोन की वर्चुअल रैम को बढ़ा सकते हैं। आपके फ़ोन में जितनी भी रैम है आप उतनी ही वर्चुअल रैम यहाँ से प्लस कर सकते हैं। दोस्तों सेटिंग में हमें यहाँ पर जनरल सेटिंग मिलती है, यहाँ पर हम अपनी लैंग्वेज और कीबोर्ड की सेटिंग्स कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम सेटिंग में चलते हैं अबाउट फ़ोन में। यहाँ पर हम चलते हैं सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में। यहाँ से अपने फ़ोन में एंड्रॉयड वर्जन चेक कर सकते हैं, वन यूआई वर्जन चेक कर सकते हैं और अगर हम फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन को ऑन करना चाहते हैं तो हम बिल्ड नंबर पर 7 बार टैप करके डेवलपर ऑप्शन को भी इनेबल कर सकते हैं। तो सैमसंग गैलेक्सी A14 5G में अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप पावर बटन और वॉल्यूम माइनस बटन इन दोनों को एक साथ प्रेस करके छोड़ देंगे, आपके फ़ोन में स्क्रीनशॉट हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको ऐप हाइड करना बता देता हूँ, उसके लिए मेनू में जाएंगे, यहाँ पर आपको 3 डॉट मिलेंगे, आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको हाइड ऐप्स ऑन होम एंड ऐप स्क्रीन मिल जाएगा। आप यहाँ से ऐप को हाइड कर सकते हैं, जो भी आप ऐप को हाइड करना चाहते हैं सिलेक्ट करके आप यहाँ पर डन कर देंगे और वो ऐप आपके फ़ोन से हाइड हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम विंडो डाउन करते हैं, देख लेते हैं हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमें पावर सेविंग मोड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, डार्क मोड भी मिल जाता है, आई कम्फर्ट शील्ड भी, और जो ऑप्शन आपको नहीं मिलते हैं आप यहाँ प्लस आइकन पर टच करेंगे, ये सारे ऑप्शन हैं, आप टैप एंड होल्ड करके इनको यहाँ पर सेट कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस फ़ोन में एयरफोन्स पर हमें डॉल्बी एटमॉस साउंड भी मिलता है। इस फ़ोन में अगर आप दो ऐप को यूज़ करते हैं एक साथ में, मान लीजिए मैं फ़ोन को यूज़ करता हूँ साथ में और मैं गैलरी को भी यूज़ करता हूँ, तो मैं 2 बार रिसेंट बटन पर टच करूँगा फ़ोन पर पहुँच जाऊँगा और 2 बार रिसेंट बटन पर टच करूँगा गैलरी पर आ जाऊँगा। दोस्तों इस फ़ोन में अगर आप एक साथ दो ऐप को यूज़ करना चाहते हो तो आप जैसे मान लीजिए आपको गैलरी को यूज़ करना है तो आप गैलरी को ओपन करेंगे और आप रिसेंट बटन पर टच करेंगे और यहाँ पर इसको प्रेस करके रखेंगे और आपको यहाँ पर दूसरा ऐप ओपन करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब आप इस तरह से दो ऐप को एक साथ में यूज़ कर सकते हैं और आप इसको चेंज भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं।